आके अली अमीन दी घर अली पीर दादा साहब घंटी की दे मामूस चा दीते हैं अली अमीन दी घर अली दीते हैं मैं अली अमीन दी घर अली दो बंदा को ना देवे दो सौ बंदे को दे उनके बाद मैं ना बोला अगर तुझे ये काम करेंगे मैं इस्तीफा देना लेकिन ये अली अमीन के जोर से बिल्कुल ये गलत फैसले कर रहे हैं जो जहेज फंड आया हुआ है लिख कर दिया है वो अंदर जो अभी इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया चेयरमैन के साथ हैं वो बिल्कुल ज़मींदार हैं अमीर आदमी है और 1.5 लाख रुपया एक आदमी की आमदन है हम सिंगार ज़कात कमेटी के चेयरमैन हूँ मेरा नाम गुलज़मान कुरैशी है सिंगार ज़कात कमेटी मस्जिद सैयद मुसलीन में बनाई गई उसमें इनसे मैं जो सियासी आदमी थे अब्दुल मजीद कुरैशी महमूद शाह इनसे मैंने मस्जिद में हल्फ लिया है कि आप कोई सियासी मदाखलत मुझे चेयरमैन में खुद नहीं बनता था इन्होंने खुद बनाया मुझे ये बात तस्लीम करें कि ज़्यादा से भी करेगा ये सब साबित करेंगे कि इन्होंने खुद बनाया इसको चेयरमैन में नहीं बनता था मैं मस्जिद का खादिम हूँ ठीक है उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना तो इसको मैंने बनाया कि यह ज़कात मिंबर तब इस वक्त मैं चेयरमैन बनूँगा जिस वक्त चेयरमैन में जो बढ़ाया मैं को मैं इन्होंने को ये आखा है कि मैं चेयरमैन को सब बढ़े दे पाए उस वेले ज़कात मैं तकसीम कर सकता चेयरमैन बढ़े दे तू सब सियासी बड़े सो मैं सियासी की कोई गाल न सुन सकूँ इन्हें आगे तू ही दे से हूँ मैं रहा पिया महमूद शाह मिंबर अपने बढ़ाए महमूद शाह इतना सियासत बढ़ा पी है महमूद शाह इतना अपनी घर वाली को मिंबर बढ़ाया ज़कात का अपनी घर वाली की भंडी जी को बढ़ाया अपने भेनोई को बढ़ाया अपने खानदान मिंबर बढ़ाने हूँ मैं गरीब आदमियों को पैसे ज़कात का जल्द फंड आ गया है 3,15,000 रुपये तो मैं कोई चेक दिता ने जिंद 51 आदमी आई 51 बंदे के वो पहुँच गया मैं दफ्तर को पता किया जहेज फंड है नहीं ना के साथ को नहीं पहुँचे जल्द जहेज फंड है महमूद शाह दो आदमी मंजूर करा के मेरे को सैन नहीं करे मैं वो सैन हूँ भी मंगना चाहना वो चेक ही मंगना चाहना अगर मैं को दे देन था मैं हूँ भी आखे मैं को चेक देवो ये चेक नहीं देने मैं को उनके इन्हें आखे अली अमीन की घर वाली पीर दादा साहब घंटी की दे महमूद शाह दीते हैं अली अमीन की घर वाली दीते हैं मैं अली अमीन की घर वाली दो बंदा को ना दे दो सौ बंदे को दे मैं कोई शे तो इतराज को नहीं वो अपने फंड दे अगर ज़कात कमेटी के देसी असा को कहें ज्यादतियात को नहीं मैं ये शे आदा कि जेरे बंदे गरीब लोग हैं गरीब आदमी हैं ये उन्हें को हक मिले उसके बाद चार फार्म महमूद शाह बह दी उन्हें तो मैं सहन नहीं किए मैं डीसी साहब को आके वहाँ कह गरीब बंदे हकदार नहीं इन्हें को तुने दे इन्हें तो सहन न कर मैं ठीक है साहब जी उनके बाद मैं इन्हें को आगे अगर तुझे ये काम करें मैं इस्तीफा देना इन्हें मैं को अगर तू इस्तीफा न दे मैं उस दीवार कागज रख के फार्म हर शहर रख के लगा गया हूँ दूसरी दीवार में आया मैं आखिर इस अगर सही तू सब मैं काम करावना चाहो तो मैं करे ना अल्लाह की रजा वास्ते करना गरीब लोगों वास्ते करे ना उनके बाद इन्हें चार फार्म मैं दिते जिस मेरे को फार्म मौजूद हैं ये बैग सैन करावन वास्ते दिते ने सब सैन कर दे मुलाजिम हुसैन कुरैशी है इन बैंक की रिटायरमेंट है हूँ थी है इनका पुत्र बैंक का मैनेजर है इनके घर वाली उस्तानी है स्कूल इनके घर 10 आदमी 10,000 रुपये एक आदमी मजदूर कम करने घर से कम करें उनके बीच एक बंदे को महमूद शाह जहेज फंड दिता है उनके बदले के बंदे तो मौजूद हैं क्योंकि मैं समझ सकता मैं दिता एक आदमी फौत थी गया उनके त्रे बच्चे हैं वो फार्म जमा है था मैं सामने दिखा सकता बंदे ही सामने बैठे वो बंदा फौत थी गया उनकी जाल बेवे उनके त्रे धियाँ जवान हैं उनकी हीक धी की शादी त्रे महीने को तैयार है उन्होंने घर के कोई पैसे उन्होंने को नहीं वो जी को 500 मंगती है बैग को 1,000 मंगती है लोग कोई दे रहे कोई नहीं देता उनकी शादी रुकी पई है मैं उनका दिता फार्म वो बंदे ही मौजूद बैठे मैं दिखा सकता वो फार्म ही दिखा सकता दूजा इन्हें असमतुल्ला दिता है इनकी पक्की नौकरी है ये भी सिंगड़ा का है ये फार्म भी मैं दिखा सकता वो भी दिखा सकता ठीक है इन्हें जो तुसा
दफ्तर महकमा पूरा तफसील करे कि क्या इस काबिल हीन के नहीं। अंगूठे लाने ते मेरे शिनाख्ती कार्ड की नकलें दिखाने ते वाला असाको का शाय नहीं ने दिती। ए माँ रमजान तो पहले कितने महीने थी ना अंगूठे लाग दियाने नकल गिन दिखाने पिछू आखिर तेरे ना आया पे ना जड़े मैं गिना ना आखो बया हो रहा था तू बेवहाय नहीं बैया कितने साल थी गए रोल रोल के मेरी बच्ची था पीतम जब बच्ची मैं शादी करी दिया आख्या तू गिना का ना वाले गिना हम उन्हें आखे हूँ उनका शिनाख्ती कार्ड गिना हर घर पीओ तो ना तो नहीं मिलते रुपये ही ना नहीं दिता तो नहीं दीन दे पैसा आता कितने साल इन बेवा मेरे जतीम इन मैं त्राए बार चक्कर लाए ना क्या तेरे ना आया पे भी अड़े पहले भी मंडाए ने वाला आज लाए उन आखे तू पसीना ना भाई हाई उधर ना तो निकल गया। जरा जकात कमेटी का यो चेयरमैन है एक आप खुद ने अपनी मर्जी ना चेयरमैन बनाया है वह चंदा घुलेंदा बैठा है तो वो जरा ने मकसद इन्हें आप खुद बनाए हूँ पहले ये भी अपना ऐद किया है इन्हें को जो भी अगर सियासी जकात है तो मैं चेयरमैन ना बनना चाहता अगर जो बेई जकात है तो ये दवात मैं बनना चाहता इन्हें बनाया है लेकिन उनके बीच मकसद है जरे बंदा इन्हें फार्म दिते जरा सारा जकात चेयरमैन गुलजमान है अगर वो सही फार्म इन तो उन्होंने सिलेक्ट किया वे अगर गलत इन तो खैर गुलजमान को हटाया वे तो जे महमूद फौजी फार्म भेजन उन्होंने बारे में तुसा सारी इंक्वायरी की वे। महमूद नाजिम है विलेज सिंगड़ का वो अपने मन पसंद जैस पांडा ने फार्म तसदीक करवाए थे चेयरमैन को बारह बारह हज़ार वाले चेक भी मतलब है दूजे नंबर तो ये गल है कि अस जो दफ्तर पहुंचे उन्हें अदम एतमाद की दरखास्त की है अपने चेयरमैन से अस उन्होंने को आखिया कि बेरा चेयरमैन थोड़े इलाके का है वैस चेयरमैन थोड़े इलाके का है लिहाजा मेहरबानी करके गरीबों का पैसा गरीबों को दो अमीर को नहीं दो फार्म जे अस आके चेक किए उन्होंने फार्मा के उत्ते उन्होंने बंदों के ना लिखे पे जिन्होंने नौकरी पेशा है मतलब माशाला जमींदार हैं इं शायद उत्ते नाजिम जरा चेयरमैन बने इतखात का वह इनकार किया है महमूद की मशवरे नाल मिंबारी उन्हें उत्ते अमल करके तो अदम एतमाद की दरखास्त रेंदे पे लेकिन असा साहब नाल अंदर गाल की है लिहाजा ये मिंबर गलत इन तू मेहरबानी करके तो ये कमेटी करे से तो मुकम्मल सारी कमेटी खत्म करे से वाला वोटिंग थी सी अगर असा हिम्मत आए चंद यार दोस्त है खड़ोते इलाके के वास्ते असा आखते हैं कि ये चेयरमैन सही है मुखलिस बंद है ये मुसलमान बंद है सही मतलब एक बंद को शायद बना लें तो महमूद अपने लेवल दे अपनी पार्टी के जोर के उत्ते प्रेशर राइज दिया खड़ोता है घंटिया करवाद लिहाजा असा अज बिरादरी तौर पर आए खड़ते हैं शराफा तौर पर आए खड़ते हैं लिहाजा अगर सारी अमले गाल न मनी तो असा जो दिल करे से इंशाल्लाह आसू दोबारा आसू तो अज भी आए खड़ोते हैं महमूद नाजिम के जितने हम मिंबर अदम एतमाद की दरखास्त देवन कि तैयार थे बैठे इंदी घर वाली को लागदा इंदे अपने रिश्तेदार वगैरह हैं फुल फैमिली के बंद हैं लेकिन इंदा में हक नहीं गरीबों का फंड है वाली अमीन वाले बंगले से केश से गिन जकात कमेटी का फंड है जी घर घर चेयरमैन तस्दीक के मुताबिक पूछे सी। यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो अपने इलाके के लिए यहाँ आया हूँ। मैं अपने इलाके का जनरल काउंसलर भी हूँ एक सियासी हूँ लेकिन हमारे इलाके में यकीन करो कि ये मैं दरख्वास्त देने आया हूँ। ये अगर आप दे सकें तो आज तक ना हमें किसी इजलास में बुलाया जाता है ना कोई कहते हैं कि ये जायज़ फंड है ये बस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं कुछ भी नहीं है। हमारे इलाके के लोग जो हैं वो मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं उनका इलेक्टेड काउंसलर हूँ मेम्बर तो भाई ये क्या है मैंने कहा यार हमें तो ना बुलाया जाता है ना कुछ पता है।